स्वागत है आप लोग का दैनिक जागरण के राशि संस्करण न्यूज सेशन में। दोस्तों आज तारीख है 6 नवंबर 2018। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे ईरान पर प्रतिबंध को लेकर, तो हम ये वाला आर्टिकल कवर करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद ये भी उससे रिलेट होता है तो हम दोनों को एक साथ मिला के इसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि हम मतलब न्यूज़पेपर में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारा ये INS आर्यन के बारे में दिया गया, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबरीमाला केस के बारे में हमने बहुत बार बता रखा है, फिर भी मैं इसको इंक्लूड करूँगा अभी आप लोग को। तो मुझे लगता है सबरीमाला केस अब तो मतलब टिप्स पर याद हो गया होगा कि मतलब क्या है कहाँ पर है, तो लगभग मुझे लगता है सारा याद ही हो गया होगा। देखो ये राष्ट्रपति जी ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, तो ये वाला एक पॉइंट हम बस एक बार डिस्कस करेंगे इसको। और एक चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि कोरिया की प्रथम महिला कहाँ पे आई है और क्यों आई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो राजनीतिक मामले नहीं पढ़ा करो क्योंकि देखो हमें न्यूज़पेपर में किन चीज़ों से बचना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ आपको मसाला न्यूज़ से बचना है, दूसरा पॉलिटिकल मामलों से। ये दो चीज़ों से बच के रहेंगे आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, खुद पर विश्वास रखिए। देखो ये रोपवे केबल वाली बात कही गई है, ठीक है, ये वाला हम जरूर जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में देखो ये MBBS डॉक्टर के मतलब सिलेबस में चेंज करने की बात कही गई है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत दिनों से मामला चल रहा है ILL एंड FS का। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबरीमाला का फिर से यहाँ से बात कही गई है तो हम उसी में आर्टिकल को इसको इंक्लूड कर देंगे उसमें ही। ठीक है, और देखो किसानों के बारे में दिया गया कि हर साल किसानों के साथ क्या होता है, बरसात नहीं होती फिर भी जूझते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया जा रहा, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये है तो ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयरलैंड इसका भी हम पहले से डिस्कस मतलब इनको इंक्लूड करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बार कई जगह आते देखो एक ही न्यूज़ क्या होता है, कई जगह आते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि बार बार डिस्कस करेंगे। मैं क्या करूँगा सारे न्यूज़ को समराइज करके एक ही जगह आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखो ये भी श्रीलंका का आपको पता ही राजनीतिक मामला क्या चल रहा है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है फिर भी मैं आपको एक बार इससे डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में हमारे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोग याद रखेगा, अभी कुंभ भी स्टार्ट होने वाला है तो कुंभ की जो थीम रखी गई है चलो कुंभ चलो चलो कुंभ, एक चीज़ ये हो गई पहला। दूसरा ये होगा कि इलाहाबाद का नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और इलाहाबाद कहाँ पर है, यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। कुंभ की एक थीम क्या है, चलो कुंभ चलो चलो कुंभ, ये 2019 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हर कुंभ कितने साल पे लगते हैं, 12 साल पे लगते हैं ना, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अभी अच्छा एक न्यूज़ देखो, हम ये वाला डिस्कस करेंगे एलियन को लेकर जी कही गई ये बात। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसने फोटो लिए, तो उसका कहना है कि कुछ ये मुस्कुराती हुई एक तस्वीर उसने खींची है, तो ये पता लगाएंगे कि एलियन है कि नहीं है। तो इस पर करीब 51,000 करोड़ का बजट इन्होंने बनाया, जिसके लिए वो क्या करेंगे आगे अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। बाकी इसमें लास्ट एक चीज़ ये कही गई, प्रदूषण से बढ़ रही बैक्टीरिया बैक्टीरियो में प्रतिरोधक क्षमता, तो एक चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा न्यूज़पेपर में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आगे के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ है ईरान पर प्रतिबंध को लेकर। आपको नाम सुना होगा कि भारत पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। देखो इसमें तीन आर्टिकल दिए गए थे, पहला ये ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो चुका है, पहली चीज़ ये। दूसरा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद आसान नहीं होगा भारत का रास्ता, ये। और प्लस ईरान के मामले में दिखी भारत की प्रखर कूटनीति की धमक। देखो ये जो तीनों आर्टिकल अगर मैं एक साथ मिलाऊं तो आपको मुझे मतलब मुझे इसे ना बहुत मतलब बेसिक से डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार बेसिक से इसको चला पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो मामला क्या है, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, ये बात है 2012 के आसपास की। 2012 के आसपास क्या कर रहा था, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि मतलब जो P5+ कंट्रीज है, P5+ कंट्री कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए, P5 जो इंटर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है, +1 ये जर्मनी। अब P5 कौन कंट्री कौन कौन सी है, मैं आपको ये चीज़ पहले बता देता हूँ। P5+1 देखो इसमें USA आता है, चाइना आता है, रसिया आता है, फ्रांस आता है, और आपका UK आता है, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा यहाँ पे जर्मनी आता है जिसको हम P5+1 कंट्री बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, ईरान अपना परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, इसके लिए इनको प्रतिबंधित करना पड़ेगा, इसको रोका कैसे जाए। तो इन्होंने क्या किया, 2012 की बात है, उसमें बराक ओबामा की सरकार थी USA में, तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन का नाम सुना होगा आपने, उस टाइम विदेश मंत्री थी इसकी USA की, तो वो क्या की उनको भेजा गया कहाँ, इंडिया।
इंडिया भेजा गया और उनको मतलब इंडिया को मनाने के लिए कि इंडिया से इंडिया को कहा जाए कि आप क्या करिए, तेल तेल का जो है इम्पोर्ट है वो ईरान से कम करिए। तो वो 2000 भारत में इंडिया आई, उन्होंने इंडिया से कहा कि आप ईरान से तेल का इंपोर्ट कम करिए। इंडिया ने साफ मना कर दिया, इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमारी ज़रूरतें हैं, हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं और हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जो प्रोजेक्ट हैं जो ईरान से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते कहते फिर मतलब हिलरी क्लिंटन ने क्या किया, मनाने की कोशिश की और इंडिया अंततः मान भी गया। तो इसमें मानने के बाद क्या हुआ, इंडिया ने धीरे धीरे क्या किया, ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया। इंडिया ने तेल खरीदना कम किया, उसके साथ साथ जो बाकी कंट्री थे उन्होंने भी धीरे धीरे क्या किया, कम कर दिया। जो बाकी कंट्री भी थे उन्होंने भी धीरे धीरे कम कर दिया। तब आपको पता होगा कि ईरान की पूरी जो इकोनॉमी चलती है वो पूरी तेल 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 अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है। मतलब वो तेल बेच के ही पैसा कमाते हैं, उसके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है, तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं उनके पास। तो हुआ क्योंकि धीरे 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 जब तेल के रिसोर्सेज कम होने लगे, मतलब कम बिकने लगे, तो मतलब ईरान की इकोनॉमी थोड़ी बेकार होने लगी। तो फिर उनको क्या हुआ कि समझौते के लिए रेडी हुआ, ईरान बोला कि ठीक है हम समझौता करने को रेडी हैं। तो जो समझौता मतलब इनके बीच समझौता मतलब साइन हुआ 2015 में, 2015 में इनके बीच समझौता साइन हुआ, किनके किनके बीच, P5+1 कंट्री के साथ प्लस ईरान के साथ 2015 में एक साइन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप न्यूक्लियर डील को, मतलब इसको न्यूक्लियर डील समझौता भी कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा और उसके ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए, मतलब जो तेल इंपोर्ट वगैरह लगाए गए, जो बाकी कंट्री तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया उन्होंने, मतलब तेल खरीदना ही बंद कर दिया, वो सारे सैंक्शंस हट जाएंगे और आप सारे कंट्री आपसे तेल खरीदेगी। तो ईरान मान गया। 2015 में क्या हुआ, ईरान ने साइन किया P5+1 कंट्री के साथ एक अपना समझौता, जिसको हम न्यूक्लियर डील 2015 कहते हैं। ये जब पूरा साइन हो गया, ये करीब ठीक है ये चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में अचानक से अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर डील का मतलब जो मतलब न्यूक्लियर डील को नहीं माना है किसने, ईरान ने, मतलब उन्होंने कहा कि आपने न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया। तो ईरान ने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो न्यूक्लियर डील में समझौता हुआ था मैंने उसका पूर्णतः पालन किया है, ठीक है, उसका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया है। तो देखो एक एजेंसी है IAEA, ठीक है, IAEA एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने भी कहा कि ईरान ने क्या किया, ईरान ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया, जितने भी नियम बनाए गए थे उस समय सबका ईरान ने क्या किया, पालन किया है। लेकिन अलग ही USA निकलता हुआ बोलता है। फिर मई 2018 में क्या होता है, USA अलग हो जाता है इस डील के समझौते से, अलग हो जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि नहीं आपने ये गलत किया है, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन देखो ये जो चार कंट्री रह जाती हैं, चाइना, रसिया, फ्रांस, UK और इसके साथ जर्मनी, ये कहते हैं नहीं ईरान ने सब कुछ पालन किया है, हम ईरान का सपोर्ट करते हैं। लेकिन USA सबसे पहले अलग हो जाता है, मई 2018 की बात है, ये अभी ताज़ा बातें हैं, इसमें अलग होता है। फिर क्या कहता है, USA कहते हैं हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो उसने डेट भी दे दी कि आपको हम 3 नवंबर 2018 से आप क्या करेंगे, आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है, कि आपको बातचीत फिर से करनी पड़ेगी। अब देखो हो क्या रहा है, जो पहले डील हुई थी देखो वो हुई थी P5+1 के कंट्री के बीच में, अब अमेरिका अलग ही अपने दादागिरी दिखा रहा है, दादागिरी इन द सेंस कि अब अकेले दिखाना चाहता है अपने दम पे कि देखो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, कमज़ोर कर सकता हूँ। मानते हैं कि USA सबसे पावरफुल कंट्री इस टाइम पे है, लेकिन अभी देखो इनका सपोर्ट मतलब इन कंट्रियों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बात करें चाइना की, चाइना इसका बहुत ही विरोध कर रहा है, रसिया तो पहले से इनके सपोर्ट में नहीं है, फ्रांस, UK, जर्मनी ये भी इसके विरोध में है। अभी फ्रांस, UK, जर्मनी इवन कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने अगर आप पे प्रतिबंध लगा दिया तो हम आपसे तेल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम किसी और तरीके से करेंगे। देखो तेल प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध का मतलब देखो दो तरीके से हो गया। एक तो USA ने जब प्रतिबंध लगाया उसमें क्या हुआ कि आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। डॉलर में पेमेंट कैसे नहीं कर सकते, अगर आपने कोई चीज़ डॉलर में खरीदी तो वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, अमेरिका के बैंक के पास जाता है। जब अमेरिका के बैंक के पास जाएगा एक्सचेंज करने के लिए तो अमेरिका का बैंक डिक्लाइन कर देगा कि ये ईरान को पेमेंट होनी है, हम ये नहीं करेंगे, हम रिलीज नहीं करेंगे पेमेंट। तो एक तो होता है कि डॉलर में पेमेंट की जाती है। अगर आपने वीडियो पहले के नहीं देखे होंगे, जो लोग पहली बार जुड़े उनको मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करना होता है ना, तो होता क्या है कि आप डॉलर ले जाके जमा करते हो कहाँ पे, अमेरिका के बैंक में, तो अमेरिका क्या करता है फिर किसी और कंट्री को डॉलर पे करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने डायरेक्ट डॉलर कैश में पे कर दिया, कैश में तो इतनी बड़ी छोटी मोटी रकम तो आप कर भी सकते हो ना, 1 लाख 2 लाख की बात हो, चलो आप कैश में पेमेंट कर दो। लेकिन जब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, अगर आपने ऑनलाइन डॉलर पैसे भेजे हैं तो सबसे पहले अमेरिका के बैंक के पास जाएगा, अमेरिका के बैंक के पास सपोज इंडिया से यहाँ से भेज रहे हैं तो पहले ये USA के बैंक में जाएगा, USA के बैंक के बाद ईरान के पास जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफर किया और ईरान के बैंक में चला गया, तो प्रोसेस नहीं होता। तो वहाँ पे क्या है कि USA रोक देगा कि आपका डॉलर पेमेंट नहीं होगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो फिर इसमें जो ये कंट्री बाकी थे, फ्रांस, UK और जर्मनी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है हम अदर पेमेंट मेथड निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे यूरोज़ में पेमेंट हो सके या उनकी जो लोकल करेंसी उसमें पेमेंट हो सके। तो उन्होंने बोला कि हम अल्टरनेटिव निकालेंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है,
अब देखो इसमें हो क्या रहा है, एक तो पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि देखो एक साइड पड़ गया यूएसए, और उसके बाकी साइड कौन कौन हो गया, यूके, फ्रांस, ठीक है, चाइना, रसिया, इंडिया, ये सब एक एक दूसरे के समर्थन में, मतलब वो चाहते हैं कि ईरान से हमारा क्या हो, व्यापार हो, लेकिन यूएसए कह रहा है कि नहीं हो। अब देखो यूएसए के सेंक्शन लगाने के बाद क्या होगा, जो छोटे कंट्रीज है अभी फिलहाल की बात करें तो लगभग 20 कंट्रियों ने क्या किया, ईरान से तेल तेल का इंपोर्ट क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा मतलब परेशान तो होगा, ऐसा नहीं है कि ईरान परेशान नहीं होगा, लेकिन देखो भारत के अगर आप टैक्स में बात करें, अभी तक तो हमने यूएसए को लेकर बात कर ली, ठीक है, अब देखो जब से ट्रंप सरकार आई है यूएसए को संरक्षणवादी नीतियों में लेते जा रहा है, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट हुआ था उससे भी वो बाहर निकल गए, ठीक है, जो COP21 था उससे भी COP23 से भी बाहर निकल गए वो लोग। तो अब देखो इसमें कहा क्या जाता है, इसमें सिंपल सा पॉइंट भारत के लिए क्या है, एक तो देखो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भारत ईरान से तेल खरीदना कम नहीं कर सकता या बंद नहीं कर सकता, उसके दो देखो दो प्रिकॉशंस होंगे, पहला अगर आप ईरान से तेल खरीदना कम करोगे तो उसके बाद खरीदो किससे, तो हमारी डिपेंडेंसी किससे बढ़ जाएगी, सऊदी अरब पर बढ़ जाएगी, हम सऊदी अरब से क्या करेंगे, ज़्यादा तेल खरीदने लगेंगे। अब देखो जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है क्या होता है, वो अपना नखरे दिखाना चालू कर देता है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम ईरान से तेल खरीदना कम करेंगे तो हमारा इनसे क्या होगा, रिलेशन ख़राब होगा, तो हम अफगानिस्तान से हम कैसे मतलब अपना कोई भी सामान भेजना अफगानिस्तान तो हम कैसे भेजेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी ज़मीन से हमें कुछ भी ले जाने नहीं देता, यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं देता है, कुछ भी पाकिस्तान यहाँ से ले जाने नहीं देता, हम क्या करते हैं सबसे पहले चाबहार पोर्ट लेके जाते हैं, फिर यहाँ रोडवे रोड के थ्रू ट्रेन के थ्रू क्या करते हैं अफगानिस्तान काबुल तक क्या करते हैं अपने सामान, इवन तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान जो ऊपर की कंट्रियाँ उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम उसके लिए भी एक्सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो अगर भारत ईरान से डायरेक्टली अगर पंगा ले लेगा, ठीक है, अगर तेल खरीदना भी कम कर देगा तो भारत के लिए दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, प्लस ये है कि चाबहार पोर्ट पहले से भारत बना रहा है तो भारत ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो भारत को ये भी अपना समझना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखो ठीक है वो लोग जो कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है, अब देखो भारत पूरी तरह यूएसए की बात नहीं मान सकता, क्यों मैं आपको बताता हूँ, आपको पता हो कि नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं हम, एक पॉइंट आप ये भी डिस्कस कर लेते हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, जो किम जोंग, ठीक है, वो एक टाइम था भारत की एम्बेसी यहाँ पे थी, मतलब अभी भी एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी थी, ठीक है, भारत की एम्बेसी थी कहाँ, नॉर्थ कोरिया में, अमेरिका ने क्या बोला, अमेरिका ने इंडिया से बोला कि तुम नॉर्थ कोरिया से क्या करो अपनी एम्बेसी क्या करो हटा लो, ठीक है, यहाँ पे बोला अमेरिका इंडिया से, उसके बाद क्या किया, अब देखो यही होता है अमेरिका पर आप विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते कि अमेरिका कब लड़ जाए आपसे, उसने क्या किया नॉर्थ कोरिया के साथ गुप्तचुप मतलब गुप्त गुप्त मीटिंग की, और उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या हुआ, आपको याद होगा तो 12 जून 2018 को इनके बीच क्या हुआ था, 12 जून शायद 2018 या 2017 2018 था, ठीक है, इनके बीच क्या सिंगापुर में किम जोंग और उनके बीच क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो इनके बीच क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था। अब देखो एक तरफ तो तुम कह रहे थे कि क्या करो अपनी एम्बेसी हटा लो नॉर्थ कोरिया से, और दूसरा क्या हुआ नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति मतलब नॉर्थ कोरिया किम जोंग और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था। तो एक तरफ तो तुम कह रहे थे कि तुम एक मतलब नॉर्थ कोरिया से बातचीत करना बंद कर दो और खुद जाकर अमेरिका क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो ये पॉइंट भी देखो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अमेरिका एक ऐसी कंट्री जिस पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते, आपको कब वो धोखा दे दे आप नहीं जानते। आपको मैं बता दूँ जब इंडिया इंडिया के साथ अभी अभी जाके क्या हुआ है, रिलेशन अच्छे हुए, इससे पहले किसके हितैषी थे यूएसए वाले, पाकिस्तान के, पाकिस्तान को भरपूर सहयोग करते थे इंडिया के खिलाफ, आपको अगर पता होगा 1960 जैसे कारगिल वॉर की बात करते हैं हम, कारगिल वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, अपने जीपीएस सिस्टम जो है ना यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्यों, इंडिया ने कहा कि हमें सपोर्ट करिए, इंडिया ने अपने जो इंडिया में जीपीएस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय करने से ब्लर कर दिया कि इंडिया वालों को पता ना चले, यहाँ तक किया था। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री जिस पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते, ताकतवर देश है ठीक है, बट देखो उसका सहयोग से हम अपने चीज़ें लगा सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि उस पर हम भरोसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। तो अगर मैंने आपको विदेश नीति में पढ़ाया कि आपका पूर्णतः ना कोई दोस्त होता है ना कोई शत्रु होता है, जो आज आपका आपका फ्रेंड है कल हो सकता है आपका वो दुश्मन हो जाए, इवन इन रियल लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल आप रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, IR पूरा रियल लाइफ बेस्ड है, पूरा IR रियलाइज बेस्ड है, जैसे जमीन की बात यहाँ पर चल रही है हमारी ना, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान से हम कश्मीर की लड़ाई करते हैं, आप देखो जो लोग गांव में रहते हैं उनका जो एक मेड़ बोलते हैं जिसको मतलब अपना जो गांव के लोगों को समझ पाएंगे, मेड़ बोलते हैं जो एक मतलब बॉर्डर होता है एक दूसरे के खेत का, थोड़ा सा अगर कोई ज़मीन काट देता है यहाँ से तो ये आपस में झगड़ पड़ते हैं, सेम ऐसा ही यहाँ पे इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान का सेम है, या यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश और चाइना का ले लें, सेम ऐसा ही केस होता है, ठीक है। तो IR को आप रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो और एक चीज़ याद रखिएगा कि IR में ना ही आपका कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना ही कोई परमानेंट शत्रु होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट में आप याद रखिएगा। तो लास्ट में इसमें हम कंक्लूजन में बस इतना ही कर सकते हैं कि हम यूएसए पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते, हमें क्या करना, ईरान से हम पूरी तरह तेल का जो इम्पोर्ट है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय हित के खिलाफ वो चला जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं देखो INS अरिहंत की,
देखो दोस्तों, भारत मतलब INS आर्यन बनाने वाला, पनडुब्बी बनाने वाला विश्व क्या कौन सा देश बना है? सिक्स देश बन गया, छठा देश बन गया। इससे पहले बात करें तो देखो, अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, रूस के पास, ब्रिटेन के पास, चाइना के पास, ठीक है, ये सारे मतलब इनके पास क्या था, परमाणु, खुद की परमाणु पनडुब्बी थी, और भारत इसमें शामिल होने वाला छठा देश बन गया। अब बात करते हैं इसकी परमाणु पनडुब्बी की। देखो ये एक तो तट तक जाके मार कर सकता है, दूसरा ये आसानी से क्या हो सकता है, रडार में आपके नहीं आएगा, ठीक है, और ये लगभग 35,000 किलोमीटर तक चल सकता है, 35,000 किलोमीटर तक, ठीक है, सॉरी 35,000 नहीं, 3,500 किलोमीटर तक, 3,500 किलोमीटर एक बार में चल सकता है। मतलब उसको पेट्रोल, मतलब उसको ना फ्यूल की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी, तब तक इतना इसकी दूरी तक की क्षमता है। और दूसरी बात ये कही जाती है इसमें कि देखो ये ऐसी एक आधुनिक तकनीक है जिसमें क्या है कि हम हथियारों से लैस रहेगी, प्लस क्या है कि इसको मतलब इनविजिबल रेंज में रहेगा। इनविजिबल रेंज इन द सेंस कि देखो, आप रडार सिस्टम एक ऐसा होता है जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसे जाता है, टकराता है, टकरा के आके संकेत भेजता है, बट ये ऐसा इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जिससे कि क्या होगा, आप इसमें कुछ अगर रडार जाएगी तो बाईपास कर देगा, बाईपास मतलब जो भी सिग्नल जाएगा उसको क्रॉस करके तो आगे निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसकी बहुत सारी खासियत इसमें दी गई है, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसमें मतलब मैंने जो आपको जो 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 चीज़ें हैं आपको बता दिया, ठीक है। इसको इसकी खास इसमें क्या क्या खास है ये चीज़ें बता गई। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की। देखो अमेरिका के पास 70 पनडुब्बी है, ठीक है, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन फ्रांस के पास लगभग 12-12 पनडुब्बियाँ हैं, तो ये चीज़ है, बट भारत के पास भी पहला है। और दूसरा माना जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक या अगले साल के लास्ट तक हमारे पास क्या होंगे, ये 2 पनडुब्बियाँ इस मतलब अरिहंत श्रेणी की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट इसमें जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने खुद की पनडुब्बी हमने डेवलप की है। अब बात करते हैं देखो सबरीमाला की। सबरीमाला दोस्तों इतनी बार डिस्कस हो गया, मुझे लगता है आपको, आप तो याद हो गया होगा कहाँ पे है सबरीमाला मंदिर, केरल में है। किस भगवान का मंदिर है? अयप्पा भवन का मंदिर है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बदली हुई अयोध्या विवाद। अब देखो अयोध्या विवाद पे क्या हुआ, राष्ट्रपति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या वाकई में आप हिंदू मंदिर था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने लेटर भेजा था उसका लौटा दिया। जब हम अभी राष्ट्रपति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम ये पूछने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जब अगर कभी चाहे, अगर कोई चला चाहे तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा था क्या कि क्या यहाँ पर वाकई में राम मंदिर था, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बिना जवाब दिए ही उनका जो पत्र था लौटा दिया। तो इसमें दो दो चीज़ें, अगर एक तो राष्ट्रपति पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी अगर चीज़ पर सलाह लेना चाहे तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, इसका जवाब दे। तो बस ये पूरा मामला इतना ही था। अब बात करते हैं देखो दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला। देखो प्रथम महिला का मतलब क्या होता है, प्रथम महिला का आपको पता है दक्षिण कोरिया की पत्नी है, मतलब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी है, ठीक है, किम जुंग सुंग। अभी देखो इसलिए प्रथम महिला क्यों कहा गया, इसका भी एक पॉइंट आप समझो, क्योंकि बहुत लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन उनको समझ में प्रथम महिला क्या होता है। जैसे राष्ट्रपति, अपने देश की बात करें तो राष्ट्रपति होता है देश का सर्वोच्च नागरिक। अब देखो सर्वोच्च नागरिक हुआ मतलब ये प्रथम पर्सन होगा, इसको हम पहला पर्सन बोलेंगे क्योंकि प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक ही बोलते हैं इसको। इनकी जो वाइफ होंगी वो प्रथम महिला होंगी, सेम यहाँ पर कंडीशन यही है, मतलब दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति की पत्नी किम जुंग सुंग ये आई हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि अयोध्या में दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसमें शामिल होने के लिए आई हुई हैं, ठीक है, दीपोत्सव बोलते हैं जिसको, हम दीपोत्सव बोलते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, जो अयोध्या में दीपोत्सव होगा उसमें शामिल होने के लिए आई हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट, मतलब UPSC के लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बाद स्टेट PCS वगैरह के लिए और बाकी जो SSC वगैरह के एग्जाम होते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रोपवे और केबल कार की। देखो रोपवे क्या होता है, रोपवे देखो ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवी में बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, इसको रोपवे कार बोलते हैं, और जो एक तार पे लटका हुआ ये चलता है इसको हम बोलते हैं केबल कार, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे जो नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है, सेवन सिस्टर आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य प्लस सिक्किम को लेके, इन्होंने कहा जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ना उसमें देखो प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम ये जो 8-9 राज्य हैं, ठीक है, लगभग 9 राज्य हो जाते हैं टोटल, 10 राज्य हो जाते हैं, ठीक है, इन 10 राज्यों में क्या करेंगे कि हम ये वाली मतलब रोपवे कार और केबल कार के क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दो कंपनी को भी समझाता हूँ, एक तो भारत की कंपनी है, पहली एक भारतीय कंपनी है जिसको हम बोलते हैं वेबकास, ठीक है, वेबकास बोलते हैं इसको, और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया की डापल मेयर। इन दोनों के बीच समझौता हुआ, ये दोनों कंपनियां मिलकर क्या करेंगी भारत में इन 8-10 राज्यों में क्या करेंगी, ये रोपवे कार और केबल कार का निर्माण करेंगी, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि यातायात को बहुत ज़्यादा सुगमता, मतलब यात्रियों को क्या हो, सहजता हो, ठीक है, और पर्यटन के साथ साथ क्या यातायात को क्या करें बढ़ावा मिले इसके लिए, ठीक है। तो ये इसमें पूरी पॉइंट कही गई थी, लगभग मैंने इसमें सारा डिस्कस कर लिया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का नतीजा, अब ये बड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये बहुत बार न्यूज़ में आ गया, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार डिटेल से पूरा समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात तो बात करते हैं ILNFS की। अब ILNFS है क्या? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज का नाम है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज, ठीक है, इसका ये नाम है। अब बात करें इसकी, तो देखो ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसमें क्या है, किसके किसके शेयर हैं, LIC के शेयर हैं इसमें, LIC का शेयर है, SBI का शेयर है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, CBI नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है। ये तीनों कंपनियां मिलके, मतलब इन तीनों ने मिलके क्या किया, इसका गठन किया है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हो, किसका, ILNFS का। अब देखो मामला क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। आपको पता होगा लगभग इनमें ऊपर 91,000 करोड़ रुपए का क्या हो गया, लोन हो गया। अब देखो इस किस फील्ड में काम करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। ये क्या करते हैं, सड़कें बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और बिजली के संयंत्र बनाते हैं, ठीक है। ये सारे इनका काम करते हैं, मतलब एक तरह से देखो तो जितनी एक्टिविटी इनकी सारी गवर्नमेंट में एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो देखो इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इनके द्वारा कहा जाता है कि हमने गवर्नमेंट के काम तो किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के काम किए हैं, हमने गवर्नमेंट का क्या किया, हमने गवर्नमेंट का बहुत सारा काम किया, लेकिन कह रहे हैं गवर्नमेंट हमें अभी तक पेमेंट ही नहीं की है, इस वजह से हम क्या है इतने घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि देखो लोन वाला मामला है। देखो इन्होंने लोन कैसे लिया, मैं आपको बताता हूँ। लोन का ही मुख्य कारण इसमें लोन ही है, जिसके कारण क्या हुआ, ये इतनी मतलब तकलीफ में है कंपनी। इनके पास सपोज, चलो एग्जाम्पल देता हूँ, इनके पास 25,000 रुपये थे, मैं 25K लिख रहा हूँ, के का मतलब होता है 1,000, आप एक चीज़ याद रखिएगा, के का मतलब होता है 1,000। अगर आपको कहीं मिला ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब समझिए, बहुत लोग को नहीं पता होता कि के का मतलब क्या होता है। तो जैसे 25K था, 25K मतलब 25,000 रुपये था। इन्होंने क्या बैंक, इसकी FD कराई, उसके बाद क्या किया, इन्होंने किसी बैंक के पास करे, सपोज करो ये PNB के पास चले गए, PNB के पास जाके कहा कि सर मुझे लोन चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है लोन दे दिया, 25,000 का लोन दिया, और इनके पास 25K तो पहले से FD करा रखी थी, तो इनके पास टोटल कितना हो गया, 1,000K, 1,000K मतलब 1,00,000 हो गए, ठीक है। जब 1,00,000 हो गया तो फिर क्या किया इन्होंने, 1,00,000 की FD कराई, फिर क्या किया, फिर एक बैंक के पास गए, यहाँ से पैसे करो PNB के पास गए, तो यहाँ पे क्या किया, इलाहाबाद बैंक के पास चले गए, इलाहाबाद बैंक के पास गए, 1,00,000 का FD दिखाया, इसी इसकी FD करा दी इन्होंने, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा के इलाहाबाद बैंक के पास गए, बोले सर मेरे को देखो मेरे पास पहले से 1,00,000 रुपये हैं, आप मेरे को 3,00,000 का और लोन दे दो। तो इनसे भी इन्होंने क्या किया, 3,00,000 का लोन ले लिया, और पहले से इनके पास कितना था, 1,00,000 रुपये थे, टोटल कितने हो गए, 4,00,000 रुपये। जब इनके पास 4,00,000 रुपये हो गए, तो फिर क्या किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गए, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास 4,00,000 की FD है, मेरे को लोन दे दो। तो इनसे कितना ले लिया, इनसे 12,00,000 रुपये ले लिए, 12,00,000 प्लस 4,00,000 पहले से इनसे पड़े थे, अब देखो 16,00,000 रुपये हो गए, ठीक है। लगभग इन्होंने 16,00,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। 16,00,000 इकट्ठा करने के बाद अब देखो इनके पास एक्चुअल में कितने रुपये थे, 25,000, 25,000 से 25,000 रुपये पे कितने लोन ले लिया उन्होंने, 16,00,000। अब किससे किससे लिए, देखो अलग अलग बैंकों से लिए, क्योंकि पता ना चले लोगों को, देख रहे हो अलग अलग लिया कि लोगों को पता ना चले। अब देखो 25,000 रुपये का आपने लोन कर दिया, 16,00,000 रुपये अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो कहाँ से करोगे आप। देखो बैंक का रूल क्या होता है, बैंक ये कहता है कि 3:1 में रेशियो में लोन देते हैं, मतलब अगर आपके पास 1 रुपये है तो आपको 3 रुपये लोन मिलेगा, अगर आपके 100 रुपये है तो आपको 300 रुपये लोन मिलेगा। अगर आपके पास 25,000 था उनके पास, तो इनको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता था, 75,000। लेकिन उनकी चालाकी देखो, इन्होंने चालाकी क्या की, पहले 25,000 का लोन लिया, 75,000 का लोन लिया, फिर 25,000 रुपये पहले से इनके पास था, उनको मिला के फिर से FD कराई, 1,00,000 हो गया, फिर 1,00,000 में फिर 3,00,000 रुपये का लोन लिया, मतलब लिया तो 3:1 के रेशियो में सब में, ठीक है। बट देखो फिर 4,00,000 हो गया, फिर 4,00,000 को इसके भी 12,00,000 लिए, फिर 4,00,000 पहले से पड़ा था, 16,00,000। अब देखो 25,000 रुपये इनके पास थे और 16,00,000 रुपये लोन ले लिए। अब ये चला के देखो, अब हुआ क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा कर्ज हो गए, प्लस उसके बाद इन्होंने, अब यही कहा जाता है इसमें, ये तो गवर्नमेंट के बिल पास नहीं हुए, या फिर ऐसा करो गवर्नमेंट से इनको पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, एक तो गवर्नमेंट का बकाया है इनके पास, प्लस देखो इनके औकात से ज़्यादा इन्होंने क्या क्या लोन ले लिया। अगर ये डिफॉल्ट करेंगे तो पैसे कहाँ से भरेंगे, आप सोचो ना, आपने किसी से 16,00,000 रुपये लिए हैं, आपके जमीन पर 25,000 रुपये हैं, तो आप कहाँ से भरोगे। अगर सपोज करो 1,00,000 रुपये होता बस, या 75,000 होता ना, 75,000 होता, तो आपके पास 25,000 रुपये रहते, तो एटलीस्ट आप 25,000 रुपये तो देते, तो इनके पास 50,000 ही तो बचता, 50,000 देने को बचता। अब 50,000 में हो सकता है आपकी ऑफिस गिरवी रख लेते हो, या आपके ऑफिस क्या करते बेच देते, तो आप 50,000 रुपये आराम से रिकवर हो जाते हैं। बैंक इसलिए कहता है कि अगर आपके पास 4,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी है और 4,00,000 रुपये आपने बैंक में रख रखा है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि चलो ठीक है 4,00,000 रुपये में अगर मैं आपको 12,00,000 देता हूँ, तो 4,00,000 अगर आपको आपने अगर डिफॉल्ट कर भी गए, तो मैं आपके 4,00,000 की FD तो ले लूँगा, तो आपको 8,00,000 मुझे रिकवर करने रहेगा, तो जो आपकी संपत्ति उपत्ति रहेगी मैं बेच बाच के आपकी रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखो पूरा मामला थी, 25,000 रुपये इनके पास, और इन्होंने 16,00,000 का लोन ले लिया डायरेक्टली।
अब इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, घाटे में चले गए। और उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले इनके जो मतलब निदेशक थे, जो अध्यक्ष थे, रवि पार्थ सारथी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हेमंत भार्गव को बनाया गया, उन्होंने भी तुरंत इस्तीफा दे दिया। उसके बाद SB माथुर को बनाया गया, जो क्या थे, पूर्व LIC के अध्यक्ष थे, इनको बनाया गया। तो अभी देखो इसमें पॉइंट क्या कही जाती है, इसमें पॉइंट यही कही जाती है कि देखो, एक तो जो इनके डायरेक्टर रहे हैं, इनकी गलती रही, जो सबसे पहले डायरेक्टर रहे, ये तो उनकी गलती रही, इनको सब पता था, फिर भी इन्होंने क्या किया, गलत चीज़ें की। दूसरा ये चीज़ कही जाती है रेटिंग एजेंसी की। रेटिंग एजेंसी क्या होती है दोस्तों, कोई जैसे रेटिंग एजेंसी क्या होती है कि वो बताते हैं कि आप कैसी चीज़ें हो, मतलब जैसे कोई आप कंपनी चला रहे हो, तो रेटिंग एजेंसी क्या करती है, आपको बताते हैं कि आप इस श्रेणी में आ रहे हो और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। अब देखो रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, इसको A+ कैटेगरी में डाल रखा था, A+ कैटेगरी में डाल रखा था। जब इनको पता चला कि इनकी हालत ख़राब होने जा रही है, तो जस्ट 1 महीने पहले इनको बहुत ही पुअर कैटेगरी में डाल दिया, कि आपकी रैंकिंग मतलब डी कैटेगरी डाल, CD में डाल दिया, माइनस में डाल दिया, क्या कि आपकी कैटेगरी बहुत ख़राब है। देखो जब तक ये अच्छी चल रही थी, तब तक इन्होंने A+ कैटेगरी में डाल रखा था। तो ये भी कह जाते हैं कि रेटिंग एजेंसी की गलती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका बैलेंस शीट वगैरह ढंग से चेक नहीं किया, और चेक डिटेल से चेक नहीं किया। और दूसरी बात देखिए कही जाती है, देखो एक सरकारी एजेंसी थी, तो ऐसा तो नहीं है कि LIC की चीज़ें पता नहीं थी, SBI को पता नहीं थी, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पता नहीं था, क्योंकि देखो ये तीनों कंट्री तीनों शेयर धारक थे ना, LIC भी इसमें शेयर धारक था, SBI भी शेयर धारक था, और कौन था इसमें शेयर धारक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को जब जब भी अगर इस ऐसी चीज़ें हो रही थी, इन तीनों को पता था, लेकिन ये क्या थे, तीनों ये चुप बैठे थे, लेकिन इनको क्या करना था, इस पर यहाँ पर एक्शन लेना था, और ऐसी चीज़ों करने से रोकनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो ये इसमें पूरा मामला था, हमने लगभग एक एक करके डिस्कस कर लिया दोस्तों। सबरीमाला केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर ये नहीं करेंगे अभी। और देखो पाठ्यक्रम में नैतिकता की पाठ कही जाती है, देखो MBBS का सिलेबस करीब पिछले 2 दशक से चेंज नहीं हुआ, मतलब लगभग 20 साल से चेंज नहीं हुआ। तो MBBS की पाठ्यक्रम चेंज करने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें क्या हो, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए कि मरीजों से आप कैसा व्यवहार करें, क्योंकि आजकल देखो बहुत सारे केस आने लगे कि मरीजों के साथ बदतमीजी की जाती है, मरीज डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट था हमने देख लिया। दोहरे संकट से जूझता किसान, इस पॉइंट की बात करें, जैसे देखो इसमें लेखक यही कहता है दोस्तों, हर साल सूखा होता है या तो बाढ़ आता है, तो हर समस्या से हम पीड़ित होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या करते हैं, कोई पहल नहीं करती। बात करते हैं इसमें भूटान का एग्जाम्पल दिया जाता है, भूटान देखो इतने वेल मेंटेन उन्होंने करके रखा है कि उनको पानी की समस्या नहीं होती, किल्लत नहीं होती। सेम इंडिया में हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे इरीगेशन प्रॉब्लम्स, हम पानी को इकट्ठा करना, पानी को सेव करना, इन सारी चीज़ों पर काम ही नहीं करते। हम डायरेक्ट रोना रोते हैं कि बारिश नहीं हुई, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा गलती कही जाती है कि गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को निर्वहन कर सकते हैं और अच्छे से इसको निभा सकते हैं। ठीक है, ये सारी इसमें पॉइंट था। अब बात करते हैं देखो श्रीलंका की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। अभी इनके स्पीकर है कौन, जयसूर्या, ठीक, कारू जयसूर्या, उन्होंने कहा कि मैं राजबच्चे को PM नहीं मारूंगा, जो पहले से PM है कौन है, रानिल विक्रम सिंह, मैं उनको PM मानूंगा। अब देखो मामला क्या था कि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे मैत्रीपाल सिरीसिरेन ने क्या कहा, सिरीसिरेन ने क्या किया था कि रानिल विक्रम संघे को, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद से मतलब कैंसिल करके उनका महिंद्रा राजपक्षे को इन्होंने शपथ दिला दी थी, कहे कि आपसे प्रधानमंत्री इनके बहुमत में नहीं है। तो कभी इन्होंने कहा कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, मतलब जब तक दोनों लोग बहुमत साबित नहीं करते कि किसके पास ज़्यादा मतलब बहुमत में है सरकार, तो तब तक मैं इनको प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा, जो पहले से प्रधानमंत्री है मैं उन्हीं को मानूंगा। ये मामला हम बहुत बड़े से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखो नए तरीके से होगी एलियन की खोज। आपको मैंने अभी डिस्कस करते टाइम बताया था कि हबल टेलीस्कोप में क्या होता, फोटो में ये खींचा था, और उसमें अब इसमें देखो हबल टेलीस्कोप ने क्या किया था, फोटो खींचा था कुछ ऐसा एलियन जैसा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि कोई एलियन मतलब हमारे अलावा भी किसी ग्रह पे रहते हैं। अगर जिन्होंने अपने NCERT अगर मेरी क्लास कर रहे होंगे, तो मैंने बताया था क्या, ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर ढेर सारे आकाशगंगाएं हैं, और आकाशगंगा में एक सौरमंडल यहाँ पे है, तो और आकाशगंगा के अंदर भी कितने हैं, ढेर सारे सौरमंडल हैं, और एक सौरमंडल किस में है, एक सौरमंडल में क्या है, इसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जो छोटे छोटे ग्रह हैं। तो एक छोटा सा, आप देखो हम एक छोटी जगह पर रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे पता नहीं कितने सौरमंडल हैं, उसके अंदर ये आकाशगंगा है। ठीक है, अब ऐसे ढेर सारे आकाश, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, इस लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं को मिलाने के बाद क्या बनता है, एक ब्रह्मांड बनता है। अब देखो हम छोटी जगह पर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस आकाशगंगा में कौन रहता है, इस आकाशगंगा में कौन रहता है, इस आकाशगंगा में कौन रहता है, हमें नहीं पता। इवन हमारी सौरमंडल में भी कई सौरमंडल है, तो हमें उस सौरमंडल के अंदर भी नहीं पता कि कौन रहता है, हमें तो बस अपने ही सौरमंडल का पता है। मतलब ये भी कह लो कि हम अपने पूरे सौरमंडल में अच्छे से पहुँच भी नहीं पाए, हर जगह नहीं पहुँच पाए, तो अपने सौरमंडल की पूरी चीज़ें नहीं देख पाए हैं, तो ब्रह्मांड में क्या क्या है हमें ये भी नहीं पता। अभी नासा इसमें 51,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, ये खोज करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि एलियन है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं देखो प्रदूषण से बढ़ रही बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता। आपने एक चीज़ देखा होगा कि आप जब भी बीमार पड़ते होंगे, जैसे फसल फीवर हो गया, तो आप क्या करते हैं, पैरासीटामोल की गोली लेते हैं, उसके साथ एक एंटीबायोटिक दे दिया जाता है आपको।
मैं एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों, देखो आपको फीवर है तो पैरासीटामोल तो लीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक की दवाई मत लीजिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक करता है क्या है, जैसे जो भी आपके अंदर बैक्टीरिया होता है ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है। अब होता है क्या है कि सपोज करो आपसे कोई लड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप पहली बार तो मार खा लोगे, चलो मार दिया उसने, लेकिन जब दूसरी बार कोई आपको मारने आएगा तो आप सोचोगे इसने मेरे को इसी स्टाइल में मारा था, तो मेरे को इसके लिए डिफेंस सिस्टम अपना बनाना है। सेम बैक्टीरिया भी यही करता है। बैक्टीरिया को जब पहली बार एंटीबायोटिक से दवाई देते हो, वो पहली बार क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है, मरता नहीं है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ उसमें से मर भी जाते हैं, लेकिन जो कुछ बच जाते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये किस टाइप का आदमी आया जो मेरे को मार के चला गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से वो अपने आप को टैकल करने के लिए अपने आप को बिल्ड करते हैं। जब आप दूसरी बार एंटीबायोटिक लेते हो तो उसमें से जितने मर गए थे पहली बार में, कुछ मतलब सपोज कर 10 मर गए थे, 20 बच गए थे, इस बार 25 बच जाएंगे और 10 ही 5 ही मरेंगे। तो अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने आप को लड़ने के लिए क्या करते हैं, पुश करते जाते हैं आगे, और आप प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। तो सेम यही करते हैं, जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो बैक्टीरिया का भी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, ऐसे सेम इंसान में। इसलिए मैं कहता हूँ एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो। एंटीबायोटिक दवाई जो होती हैं आप नहीं खाइए, कि कोई भी बीमारी हो आपको, जब तक कि ज़रूरत ना हो या बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो नहीं खाना चाहिए। इवन अगर अगर फीवर है तो पैरासीटामोल खा लो, लेकिन एंटीबायोटिक तभी खाना है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे या कहे कि नहीं बहुत ज़रूरी है आपको एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा, तभी खाइए कर। ठीक है, मतलब खाया करिएगा, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में आपको अभी उसका डिफेक्ट नहीं देखेंगे, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा डिफेक्ट दिखता है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही था, जैसा भी रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं देखो एक चीज़ करूँगा कि इसका PDF लिंक अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जिसको PDF डाउनलोड करना है आप लोग यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो और छोटी दीपावली की बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर सेल्फ।